नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गौ माता के लिए 5 दिन से लगातार गौशाला में सवामढ़ी का आयोजन। पाटोदा में श्री राधा कृष्ण गौशाला अध्यक्ष रामगोपाल चौपाल ने बताया कि श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत सोडासी सूरत निवासी के द्वारा गौ माता 5 दिन लगातार गौ माता के लिए 5 सवामढ़ी का आयोजन करवाया गया। लापसी, तरबूज, हरा चारा, गुड़ एवं हरी सब्जी की सवामढ़ी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूजन सिंह शेखावत, विनोद कुमार शर्मा, बनवारी लाल सिंह, किशोर कुमार शर्मा आदि गौ भक्तों द्वारा अपना सहयोग देकर गौ माता सेवा की। जय गौ माता, जय गोपाल। आज श्री राधा कृष्ण गौशाला पाटोदा में श्री सूरत निवासी सुशील जी अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता अग्रवाल के द्वारा अनूठी मिसाल पेश की गई। उनके द्वारा आज गौ माता के लिए गोस्वामिनी का आयोजन किया गया। अपने पुत्र की शादी के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम उन्होंने गौ माता के लिए भोजन का आयोजन करवाया गया। आज उनके पुत्र की शादी के उपलक्ष्य में गौ माता के लिए लापसी का भोग परोसा। उन्हें बहुत बहुत जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता उनके पुत्र चिरायु आशु अग्रवाल एवं पुत्र वधु निधि अग्रवाल का दाम्पत्य जीवन सुखमय, खुशीमय और दाम्पत्य जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही आशा करते हैं। और गौ माता उनके परिवार में यश कीर्ति धन धन्य की पूर्ति करे। जय गौ माता, जय गोपाल।